कारोबारी साल की आखिरी तिमाही में जीडीपी में कमी के बाद भी कर्ज सस्ता होने की उम्मीद नहीं है। बुधवार को आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा। जानकार मानते हैं कि रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटाने में अभी जल्दबाजी नहीं करेगा, लेकिन आगे की तिमाहियों में महंगाई दर नीचे बने रहने पर फिर ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश बन सकती है। मंगलवार से शुरू होने वाली दो दिन की रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद कर्ज और सस्ता होने के आसार बेहद कम हैं। ज्यादातर बैंकर और इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि रिजर्व बैंक इतनी जल्दी दरें घटाने का फैसला नहीं करेगा, लेकिन आगे की तिमाहियों में महंगाई कम रहने पर ब्याज दर घटने की गुंजाइश हो सकती है। जनवरी मार्च तिमाही में ग्रोथ रेट और खुदरा महंगाई दर में कमी से रिजर्व बैंक का रुख बदलने के आसार हैं। जनवरी मार्च तिमाही में ग्रोथ घटकर 6.1% और खुदरा महंगाई दर 3% से भी नीचे आ चुकी है। Once inflation goes up, it takes a very, very long time for RBI to bring inflation down. It takes more than a year, 2 years to bring it down. And therefore, RBI will always keep a cautious stance. कई और भी पहलू हैं जो रिजर्व बैंक के लिए भरोसा दिलाने वाले हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी कीमतें स्थिर हैं, रुपए में भी मजबूती बनी हुई है, GST के बाद सरकार को महंगाई में और कमी की उम्मीद है, मानसूनी बारिश को लेकर भी अच्छा अनुमान है, अमेरिका में भी ब्याज दरें बढ़ने के आसार नहीं है। लेकिन तमाम अच्छे संकेतों के बावजूद रिजर्व बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले अभी और इंतजार करेगा। फर्स्ट हाफ ऑफ ये फाइनेंशियल ईयर जो है, इसमें क्योंकि इन्फ्लेशन इतना लो है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि RBI उस चीज़ को जो फॉरवर्ड गाइडेंस होता है वो थोड़ा डविश रहेगा, थोड़ा सॉफ्टनेस दिखाएगा टोन में और उस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा। अभी जिस रेपो रेट पर बैंकों को रोजाना RBI से कर्ज मिलता है वो 6.25% है, जबकि बैंक सरप्लस नकदी जिस रिवर्स रेपो रेट पर बैंकों में जमा करते हैं उसकी दर 6% है। जानकार मानते हैं स्थितियां ऐसी ही बनी रही तो लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए आगे और अच्छे दिन आ सकते हैं। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई।